फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप नासा मार्स रोवर द्वारा सेंड किया गया मार्टियन टेंपल का मिस्टीरियस क्लोजर व्यू के साथ साथ नासा मार्स परसिवरेंस रोवर का 22 दिसंबर 2021 का सेंड किया गया साउंड करने वाले पिक्चर्स भी देख पाएंगे, जो इस वीडियो को नॉलेजबल के साथ साथ इंटरेस्टिंग बनाता है। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, यह व्यू नासा के मार्स रोवर पर मार्स कैंप से कैप्चर किया गया है। यह डिटेल क्लोजर पैनोरमा माउंट सार्फर टू एरिया की ओर एक व्यू दिखाता है, जिसमें फर्स्ट एरिया माउंट सिल्स और सेकंड एरिया लोगान पास है। फ्रेंड्स, यह सीन मार्स कैंप के राइट आई वाले कैमरे से ली गई इमेजेस का एक मोजेक है, जिसमें एक टेलीफोटो लेंस है जो मार्स प्लेनेट पर क्यूरोसिटी के वर्क के 957 में मार्टियन डे के दौरान एक्वायर्ड किया गया है। फ्रेंड्स, यह व्यू साउथ वेस्ट से लेफ्ट की ओर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ है, जो अर्थ पर डे के टाइम लाइट मैनेजमेंट की स्थिति में व्यू कैसे दिखाई देगा, जिसमें इसका सेम कलर अप्रॉक्स व्हाइट बैलेंस किया गया है। फ्रेंड्स, शॉट करने वाला क्लोजअप सीन मार्टियन टेंपल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। फ्रेंड्स, इस व्यू में क्यूरोसिटी रोवर ने उस प्लेस से अप्रॉक्स 328 मीटर का डिस्टेंस तय किया, जहां माउंट सिल्स के बेस पर एक आउटक्रॉप के लिए यह ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें सेंटर के नियर में आउटक्रॉप के साइड में 5 मीटर स्केल बार लगाया गया है, जो मार्स की स्टडी नासा के साइंटिस्टों द्वारा किए गए माउंट सिल्स के इस बेस पर चूज किया गया था, जिसे जियोलॉजिस्ट ने इस तरह की इमेजेस से पहचाना था, जहां एशियन वैली को कॉर्नर स्टोन में इंग्रेव्ड किया गया था। फ्रेंड्स, यह पिक्चर नासा मार्स परसिवरेंस रोवर के शेरलॉक वाटसन नेविगेशन कैमरा मार्स ट्रेजर कैमरा का यूज करके 22 दिसंबर 2021 को सोल 297 सोल 298 पर एक्वायर किया गया है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मार्स मिशन की और लेटेस्ट न्यूज प्राप्त करने के लिए लाइक शेयर और डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।